कंडाघाट में बीडीसी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाना था, जिसमें कांग्रेस शुरुआत में 15 सदस्यों में से 8 सदस्यों के साथ बीडीओ कार्यालय में पहुंची और पूरी आश्वस्त थी कि अध्यक्ष पद पर कांग्रेस का सदस्य ही काबिज होगा। भाजपा के नेता भी मान चुके थे कि कांग्रेस की ही बीडीसी बनेगी, लेकिन बाद में ऐसी बाजी पलटी, कांग्रेस को झटका लगा क्योंकि परिणाम आने के बाद पता चला कि भाजपा ने बीडीसी कंडाघाट पर कब्जा कर लिया है, जिसमें भाजपा समर्थित विजय ठाकुर को अध्यक्ष निर्वाचित किया गया और आजाद उम्मीदवार हेमा देवी को उप प्रधान निर्वाचित किया गया, जिस पर भाजपा खेमे में खुशी की लहर देखी गई और भाजपा नेताओं ने खुशी जाहिर करते हुए इस जीत को प्रदेश सरकार की जीत बताया। निर्वाचन के बाद एक और ट्विस्ट आया, जिसमें भाजपा को हिला दिया क्योंकि आजाद उम्मीदवार हेमा देवी जीत के बाद कांग्रेस के विधायक धनीराम शांडिल के पास आशीर्वाद लेने पहुंच गई और ये कहा कि वे कांग्रेस के विधायक जो ईमानदार छवि के हैं, वे उनके साथ मिलकर चलेंगी। लोकतंत्र में संगठन जो है बहुत सर्वोपरि है और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने और भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने कार्य किया है, उससे लगता है कि हमारा जो कैंडिडेट है वो पूरी तरह से जीत गया है। हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री है ठाकुर जयराम जी की नीतियों को लोगों ने पसंद कर रहे हैं और लगातार हिमाचल प्रदेश के हरेक बीडीसी पर जो है, हरेक जिला परिषद पे जो है, भारतीय जनता पार्टी का जो है इस वक्त भगवा लहराया जा रहा है और कंडाघाट भी उसमें छूता नहीं है। इसमें हमें जो है बड़ा गर्व की बात है कि भारतीय जनता पार्टी जो है कंडाघाट बीडीसी पे जो है पूरा भगवा लहरा करके आज जो है पूरी तरह यहाँ पे जीती है। मैं अपने शीर्ष नेतृत्व को, माननीय ठाकुर जयराम जी को और हमने जितने भी संगठन के जितने हमारे माननीय श्री सुरेश कश्यप जी है, पवन राणा जी है, अपने सोलन जिला के अध्यक्ष हैं, सभी लोगों को, अपने मंडल अध्यक्ष को, सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने पूरे संघर्ष के साथ भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए दिन रात एक किया है। हम सभी ने जो है आज ये जो भगवा है यहाँ भारतीय जनता पार्टी का एक बार से पुनः लहराया है। हम इसके लिए जो है बड़े ही आज जितने भी कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के, उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं और अपने संगठन को सर्वोपरि मानते हुए भारत माता की जय, भारत माता की जय। देखिए ये जो है डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में आप जबरदस्ती जो है किसी पे कर नहीं सकते और आप 8 ले जाते 10 ले जाते, लेकिन जब सीक्रेट बैलेट होता है तो सीक्रेट बैलेट में जो जिसका मन जैसे करता है, भारतीय जनता पार्टी की नीतियां और माननीय ठाकुर जयराम जी का जो पिछले 3 साल का जो कार्य है उसको देख करता है, कोई भी पलट सकता है। ये जो है मैं समझता हूँ ये 8 और 7 का खेल नहीं था, ये जो है पूरे जो है मन से जो है लोगों के साथ जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आज कर रहा है कार्य, गांव लेवल तक कार्य कर रहा है, उसका जो है ये आज रिजल्ट आया है। मैं यहाँ पर शांडिल जी से मिलने आई थी ताकि इनका आशीर्वाद मिल सके और हम अपने कार्यों को अच्छे से कर सके और विकास की जो हमारी गति रहेगी वो बहुत अच्छे से यहाँ पर हो सके और सब हम मिलजुल कर अपने क्षेत्र का विकास कर सके। इनसे मैंने आशीर्वाद लिया और ताकि हम अच्छा कर सके।